है बॉडी में, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। देन हमारे टंग में बहुत सारे पैपिला होते हैं। पैपिला का मतलब होता है रेज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन पैपिला का मतलब टेस्ट बड नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्क्वायर यूट्यूब चैनल, आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में, तो अब थोड़ी आसानी हो जाएगी बाकी चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीथ एंड टंग के बारे में, फिर हम फैरिंग्स एंड ईसोफेगस के बारे में बात करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो हम सर्वाइव करने के लिए फूड खाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो फूड को, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को, सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन की डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड इस तरीके से है कि हम च्यू करते हैं फूड को, फूड का मास्टिकेशन करते हैं, हमारे स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है। एंड बायोकेमिकल मेथड इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि केमिकली फूड को तोड़ते हैं, राइट। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पार्ट है, एक है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरे हैं एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, ओके, एंड एंड करती है एनस पे। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? फैरिंक्स आ जाएगा, ईसोफेगस आ जाएगा, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारी एसेसरी ग्लैंड्स हैं, तीन ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है, लिवर, पैनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी के भी तीन होते हैं, जैसे कि पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है एंड सब लिंगुअल है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ग्लैंड हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो नहीं आते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल तो ये ट्यूब हो गई, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में हम इनको काउंट नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, तो एसेसरी ग्लैंड्स इनको हम इसीलिए कहते हैं। अब माउथ से स्टार्ट करेंगे। माउथ में दो पार्ट्स हैं, एक है हमारा वेस्टिब्यूल एंड दूसरा है ओरल कैविटी प्रॉपर। नाउ जो वेस्टिब्यूल है उसमें हम जो स्पेस होती है हमारे चीक्स एंड टीथ के बीच में, उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, और यहाँ पे हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ओरल कैविटी प्रॉपर वो स्पेस है जो कि टीथ से सराउंडेड है, तो इसमें हम काउंट करेंगे टीथ को एंड टंग को। और ओरल कैविटी प्रॉपर में ही सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट ओपन होते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, क्या बोलोगे? ऑब्वियसली नहीं प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ना कि ओरल कैविटी प्रॉपर में, राइट। नाउ जो हमारा वो है पैलेट है, यानी कि आप ऊपर अगर टंग को ऊपर थोड़ा सा टच करोगे तो जो पार्ट फील होता है वो पैलेट है, राइट। तो पैलेट के भी दो पार्ट्स हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड पैलेट में बोन से सपोर्टेड होता है इसलिए वो हार्ड होता है, और जो सॉफ्ट है उसमें बोन से सपोर्टेड नहीं होता है। अब जो हमारे टीथ की अरेंजमेंट है उसको हमें देखना है, राइट। तो हमारे पास दो जॉ है, अपर जॉ को हम कहते हैं मैक्सिला, लोअर जॉ को हम कहते हैं मैंडिबल। तो जो अरेंजमेंट आपको अपर जॉ में मिलेगी, सेम अरेंजमेंट आपको लोअर जॉ में भी मिलेगी, राइट। अब अपर जॉ को हाफ़ कर दो तो हाफ जॉ में जैसी अरेंजमेंट आपको मिलेगी, सेम अरेंजमेंट आपको बाकी के आधे जॉ में भी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको आधा कर देते हैं। अब आधे जॉ का अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो हमें मिलेगा दो इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, दो प्री मोलर है, तीन मोलर है। ये जो आप जॉ देख रहे हो ये एडल्ट की जॉ है, ना कि चिल्ड्रन की। मुझे ये कैसे पता चला? ये पता इसलिए चला, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ हाँ। तो मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जो ये प्री मोलर्स हैं वो चिल्ड्रन में एब्सेंट होते हैं, ओके, यहाँ पे कोई भी दांत नहीं प्रेजेंट होगा। और जो यहाँ पे लास्ट मोलर है वो भी नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे लास्ट मोलर को हम विस्टम टीथ भी कहते हैं, तो यहाँ पे भी गड्ढा होगा और ये जो प्री मोलर्स है वहाँ पे भी स्पेस होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स एब्सेंट होते हैं चिल्ड्रेन में, ओके। नाउ डेंटल फार्मूला एक तरीका है इस बात को रिप्रेजेंट करने का, जो भी हमने अभी इंफॉर्मेशन निकाली है।
मतलब कि आधा अपर जॉ का अरेंजमेंट लिखोगे, इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने लिखोगे, देन आप एक लाइन डालोगे, फिर लोअर जॉ का आधा करके जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको आप लिखोगे, और इसी को हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो एडल्ट्स का क्या होगा, एडल्ट्स का हो जाएगा 2123/2123। क्यों? क्योंकि दो इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर एंड तीन मोलर्स, राइट। सेम चीज़ लोअर जॉ में भी होती है, तो सेम हो जाएगा अपर और लोअर जॉ का। अब अगर चाइल्ड में बात करें तो चाइल्ड में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, तो दो की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया है, और लास्ट मोलर एब्सेंट होते हैं तो तीन की जगह मैंने दो लिख दिया है, 2102/2102 हो गया, राइट। अब देखो, प्री मोलर एब्सेंट है, लास्ट मोलर एब्सेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ में सिर्फ एक बार आने वाले दांत हैं ये प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स, राइट। और बाकी जितने भी टीथ है वो कब आता है, लाइफ में दो बार आता है ना। ह्यूमन डेंटिशन डाइफियोडोंट होता है, कहने का मतलब है कि हमारे दांत लाइफ में दो बार आते हैं, एक बार टूट जाएगा फिर दूसरा आएगा। अब जो सब चिल्ड्रन में होते हैं उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ, राइट। उनको हम डेसीडियस टीथ भी कहते हैं, वो टूट जाते हैं तो परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो वाले दांत टूट गए जो मिल्क टीथ के टूटने के बाद आए हैं, वो अगर टूट जाएँ तो वापस से हमारे दांत नहीं आते, राइट। अब देखो, प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स एक्सेप्शन हुए, क्यों? क्योंकि ये चिल्ड्रन में तो आते ही नहीं है, ये तो एडल्ट्स में ही आते हैं, तो इनको हम कहते हैं मोनोफियोडोंट डेंटिशन, ओके। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब है कि जो हमारे टीथ है वो जॉ के सॉकेट में प्रेजेंट होती हैं, ओके। एंड हेटेरोडोंट है, हेटेरोडोंट का मतलब हुआ कि काफ़ी सारे तरीके के हमें टीथ मिलते हैं, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ टीथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब टंग पे आ जाते हैं, तो टंग हमारी होती है वॉलेंट्री, यानी कि हम इनको इनको नहीं, इसको अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, राइट। मस्कुलर ऑर्गन है, तो मस्कुलर भी है, वॉलेंट्री भी है, यानी कि हम ये जानते हैं कि ये स्केलेटल मसल की बनी हुई होगी। देखो, हमारे पास तीन तरह की मसल है, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल, जिसमें से स्केलेटल मसल जो होती है उसको हम अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, राइट। अब अगर स्केलेटल मसल से बनी हुई है तो मतलब कि ये किसी न किसी बोन पे अटैच्ड होगी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। कहाँ पे लोकेटेड होता है टंग? फ्लोर ऑफ द माउथ पे लोकेटेड होता है, और फ्लोर ऑफ द माउथ से इसको टंग को कनेक्ट करके रखने का काम करता है फ्रेनुलम, राइट। टंग को कभी ऐसे ऊपर करके मिरर में देखना तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। अब जो बोन की मैं बात कर रही थी, उस बोन का नाम है हाइड बोन, थोड़ा अंदर के साइड होता है, और ये ऐसा बोन है जो कि किसी और बोन से अटैच नहीं है बॉडी में, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। देन हमारे टंग में बहुत सारे पैपिला होते हैं, पैपिला का मतलब होता है रेज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन पैपिला का मतलब टेस्ट बड नहीं होता है, तो दोनों भी दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पैपिला में टेस्ट बड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कौन कौन से पैपिला होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लो। देखो, टंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अंदर के साइड इन्वर्टेड वी शेप फरो होता है, फरो या फिर डिप्रेशन कह लो होता है, इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। अब इस सल्कस टर्मिनालिस की वजह से हमारी जो टंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो पीछे वाली पार्ट है इसको हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट, जो कि टंग का 1/3 होता है, ओके। और आगे है ओरल पार्ट जो कि 2/3 होता है। अब इसी सल्कस टर्मिनालिस के पास में सर्कमवैलेट पैपिलाज प्रेजेंट होती हैं। ये जो सर्कमवैलेट पैपिला है ये लार्जेस्ट होती हैं, इनमें टेस्ट बड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे कम पाए जाने वाले पैपिला हैं सर्कमवैलेट पैपिला। उसके बाद आते हैं फिलिफॉर्म पैपिला, सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट है, मोस्ट अबेंडेंट है, लेकिन इनमें टेस्ट बड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फंजी फॉर्म पैपिला, जो कि मशरूम के शेप के होते हैं ये पैपिलास, और इनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन से पैपिला हैं? फिलिफॉर्म, फंजी फॉर्म, सर्कमवैलेट, फिलिफॉर्म। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फिलिफॉर्म, एज इफ नाम से ऐसा लग रहा है कि फिल कर रहा है, राइट। तो मोस्ट एबंडेंट है और स्मॉलेस्ट है, टेस्ट बड एब्सेंट है।
बाकी दोनों में टेस्ट बड प्रेजेंट है, लेकिन जो सरकम वैलेट पैपिला है वो क्या है, उसका लार्जेस्ट है। देखो स्पेलिंग भी इसकी बड़ी ही है बाकी दोनों से, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि सरकम वैलेट पैपिला लार्जेस्ट होते हैं, में भी टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। फिलिफॉर्म स्मॉलेस्ट होता है, टेस्ट बड एबसेंट होता है, ठीक है। अब टीथ का जो वो स्ट्रक्चर है उसको हमें देख लेना है। तो गम है, मान लो ये गम है और यहाँ पे बोन्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि बोन नहीं, टीथ जो है वो गम के सॉकेट में प्रेजेंट होती है, राइट। तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है इसको, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं डेंटाइन। ये बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का, और इस डेंटाइन के ऊपर होता है इनामिल, जो आप वाइट कलर का आप देख पा रहे हो वो इनामिल ही है, ओके। और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देन ये जो इनामिल है ये भी बना हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का, लेकिन डेंटाइन से ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो इसलिए ये हार्डेस्ट होता है, डेंटाइन से भी हार्ड होता है ये, ओके। उसके बाद जो हमारा डेंटाइन है, डेंटाइन के अंदर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम कहते हैं पल्प कैविटी, और इसी कैविटी में ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ठीक है। आपने वो सेंसोराइन का ऐड सुना होगा कि तेज झंझनाहट होती है, वो इसलिए होती है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे टीथ में भी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और आप जो ये कैनाल देख रहे हो वो इस तरीके से जो यहाँ से जा रही है, इसको हम कहते हैं रूट कैनाल। नाउ यहाँ पे सीमेंटम होता है जो कि डेंटाइन को और गम्स को जोड़ के रखने का काम करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे टीथ का। तो क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि डेंटाइन होती है, डेंटाइन के ऊपर इनामिल होता है, डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है, और उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और ये कैनाल है, रूट कैनाल हम इसको कहते हैं, और सीमेंटम होता है, दैट्स इट, ठीक है। फैरिंग्स को हम कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है कि फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तीन पार्ट्स हैं, नेजो फैरिंग्स, ओरो फैरिंग्स एंड लैरिंगो फैरिंग्स। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ ईसोफेगस पे। तो ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि डायफ्राम को क्रॉस करते हुए नीचे आती है और स्टमक में ओपन होती है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट आपने देखा है अगर, तो अगर आपको नहीं आता है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। तो गट की जो वो होती है हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, हमने देखा था कि मसल्स के चार लेयर होते हैं, मसल्स नहीं बोलेंगे, चार लेयर्स होती हैं, राइट। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो जो सेरोसा है, सेरोसा एब्सेंट होती है ईसोफेगस में, उसकी जगह पर ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती हैं, ओके। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन हमारी ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है। म्यूकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम खाना खाते हैं, तो अगर म्यूकस नहीं होगा तो ये स्लिपरी नहीं होगा, राइट। और इसमें चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं हमारी ईसोफेगस में, राइट, ओके। उसके बाद अब देखो जो हमारा ईसोफेगस है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, ये हमारा माउथ है, ठीक है। माउथ ओपन हुआ और ये पोस्टीरियरली ओपन हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पीछे के साइड ओपन होता है, आगे के साइड होता है हमारा ट्राखिया। देन जो हमारा लैरिंग्स होता है यानी कि वॉइस बॉक्स, उसके ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, ओके। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब भी हम फूड को च्यू वगैरह करके स्वैलो करते हैं यानी कि डेग्लूटिशन करते हैं, तो फूड ताकि ट्राकिया में ना चला जाए, हमारे इस साइड विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से फूड जो है पीछे के साइड जा पाता है, अगर मतलब अगर ये आगे के साइड आ गया, विंड पाइप में अगर आ गया, तो बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, राइट। सेफ नहीं है, ऑब्वियस है। देन अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि एक तो ये नीचे भी जा सकता है, फूड बाई चांस कहीं ऊपर ना चला जाए, इसलिए हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं व्यूला, ठीक है। स्पेलिंग है UVULA, व्यूला, ओके। और ये क्या करता है, जो हमारी नेजल कैविटी है उसमें फूड को जाने से रोक देता है। तो दो स्ट्रक्चर याद रखने, व्यूला एंड एपिग्लॉटिस। व्यूला क्या करता है
कहाँ पे जाने से रोकता है? नेजल कैविटी में। और एपिग्लॉटिस कहाँ पे जाने से रोकता है? हमारे लारिंग्स में या फिर विंड पाइप में, ठीक है। उसके बाद स्टमक, तो स्टमक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।